ये है स्टोन का पूरा हम लोग इसका डम्फर, और ये जो दो नंबरी होता है ये ऐसे ही होता है जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ पे पानी गिर रहा है और अभी बिना अभी धूप कड़ा धूप है, तो जब भी आप वजन कराते हैं या फिर कांटा कराते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से वो लोग मिनिमम 2 से 3 क्विंटल 4 क्विंटल का फर्क हो सकता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसा होता है कांटा करने में, जब आप कांटा करते हैं तो देख लीजिए कि आपका स्टोन ड्राई है कि नहीं है, क्योंकि ये जो है ओवरलोड है और यहाँ पे इसका पूरा पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और भी पानी जा रहा था, तो अभी जब हम लोग कांटा किए तभी आपका पता चला। तो ऐसे करके आप जान सकते हैं कि ये लोग पानी ढाले हैं या फिर बरसात का पानी है, क्योंकि वजन को बढ़ाने के लिए पानी ढाला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी पूरा गिर रहा है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लोग क्या होता है ना कि हमेशा जो कांटा होता है ना, कांटा मतलब जब आप स्टोन करते हैं तभी लोग क्या करते हैं कि उसमें पानी मिला देते हैं। पानी देने के बाद क्या होता है, 8 से 10 क्विंटल तक 5 क्विंटल तक भी पानी अगर देते हैं तो इसमें आपका लॉस होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप स्टोन मतलब कांटा कराते हैं, मतलब ये जो आपका चिप्स होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या तो फिर आप उनको बोलिए कि 1-2 घंटा तक वेट कीजिए, पानी फिर भी रहता है लेकिन कुछ तो निकल जाएगा, और अगर नहीं तो फिर आपका मतलब या तो फिर जिससे आप ले रहे हैं उसको बोलिए कि पानी का एक वेट कम से कम हम आपको इतना केजी कम देंगे, क्योंकि इससे आपका लॉस है। मान लीजिए अगर 2 से 5 क्विंटल का भी अगर वेट होता है तो इससे आपको थोड़ा सा तो लॉस होता ही है, तो वो पॉकेट में पैसा चला जाता है ड्राइवर का और उसका जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर चल जाता है, ये मालिक को पता नहीं होता है कि लोग पानी मिलाया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी फिर खाली जो ट्रक है, जो टैंकर है, उसको हम लोग वर्जन कराएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसको भरा हुआ स्लिप है हमारे पास, भरा हुआ मतलब जो फुल गाड़ी था उसका एक मेजरमेंट है हम लोग के पास, और एक मेजरमेंट अभी हम लोग लेने वाले हैं, जो कि वेट करने वाले हैं, जो कि अभी खाली गाड़ी हुआ है, खाली गाड़ी का हम लोग वेट करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे कितना वजन होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसा अभी देखिए वो गाड़ी हम लोग के आगे में गाड़ी जा रहा है, तो अभी उसी गाड़ी का हम लोग खाली किए हैं, और इसको अभी हम लोग अभी कांटा करेंगे, जो इसका वेट होगा कितना क्या वेट है तो उसको अभी हम लोग को देखना है। ठीक है, ये बंदा पीछे बाइक में जो आ रहा है, ये है जो मेरा माल का ऑर्डर दिया है, और ये यहाँ पे कांटा हम लोग जा रहे हैं। इसका वेट यहाँ पे कांटा होगा, तो हम लोग आगे गाड़ी से घुमा लेते हैं। ये हम लोग का पूरा कांटा अभी यहाँ पे हुआ गाड़ी का, और अभी इसको हम लोग मेजरमेंट करने के बाद ये स्लिप जो पहले का था 6065040 जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके लिए खाली का गाड़ी खाली का वेट करने के बाद ये आपको यहाँ पे कांटा होने के बाद ये माइनस होता है गाड़ी का जो वेट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया ग्रॉस 65040 kg, ये टोटल गाड़ी के साथ जो माल भर्ती था उसका मेजरमेंट है वेट है, और टेयर जो है गाड़ी का जो वेट था वो 14,980 ठीक है ये केजी था, और जो मेरा मटेरियल का वेट है नेट 50,060 kg ये आपका वेट है। तो ये पूरा ऐसा डिटेल्स आप देख रहे हैं। ओके, तो अभी ये जो चीज़ है जैसे कि आपको मैंने दिखाया वेट करते हुए और खाली गाड़ी का जो वेट है, इस चीज़ का आपको खड़ा होके वेट कराना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप ट्रस्ट भी करते हैं। अभी इससे पहले मैं 2 बार गाड़ी खाली करवाया था, तो मुझे इस बार शक हुआ कि इस बार मुझे खुद से मतलब वेट कराना चाहिए, तो मैं वेट कराया तो थोड़ा ये सामने में देख पाया कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा पानी इन लोग डाल के लाया था, तो पिछले बार भी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। तो यही रीज़न होता है कि कभी भी आप एक हफ्ते अगर किसी को अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे में भी आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ आज देखा तो आज पता चला ऐसा,
तो अब मैं किसी पे ऐसे ट्रस्ट करके बिजनेस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट भी नहीं करेंगे तो बिजनेस होगा नहीं, क्योंकि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, तो इसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अगर जब भी आप गाड़ी स्टोन का वेट कराते हैं तो कैसे करा सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, देखते हैं। ओके बाय बाय।